हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाय. पूछा गया कि जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, ये इनमें से किस साइंटिस्ट ने किया है? बैटिसन एंड पनेट, टी एच मॉर्गन, वॉटसन एंड क्रिक, सटन एंड बोवरी. तो हमें पता है कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये दिया किसने है? ये सटन एंड बोवरी ने दिया. और इन्होंने बताया कि जो मेंडेलियन फैक्टर है वो, और जो क्रोमोसोम जो है वो पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं. जैसे मेंडेलियन फैक्टर पेयर में होता है, क्रोमोसोम भी पेयर में होता है. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मेंडेलियन फैक्टर जो है वो हमें पता है कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है. ऐसे ही अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम है वो भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो पैरेलल बिहेवियर बताया इन्होंने, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? टी एच मॉर्गन ने किया. इन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया. इन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया और ये जो है इस पर वर्क करके, ऑब्जर्वेशन करके जो है यहाँ पे एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का. अगर हम देखें यहाँ पे टी एच मॉर्गन से ये, बैटिसन एंड पनेट तो नहीं होगा, वॉटसन एंड क्रिक भी नहीं है, और सटन एंड बोवरी ने भी नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया. इन्होंने ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भले दिया लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टी एच मॉर्गन ने किया. सो करेक्ट आंसर वुड दिस सेकेंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द